डॉक्टर शकील अहमद को बसपा ने चांदपुर का विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया। चांदपुर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व मुख्य जोन इंचार्ज मुरादाबाद बरेली मंडल व लोकसभा प्रभारी मधुना गिरीश चंद्र ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता अभी से कमर कस लें, भाजपा के जन विरोधी कार्यों को जनता को अवगत कराएं। आने वाली केंद्र में सरकार बसपा की ही होगी। इस मौके पर उन्होंने नगर के जाने माने डॉक्टर शकील अहमद हाशमी को हाईकमान के अनुसार जनपद बिजनौर की विधानसभा 23 चांदपुर का विधानसभा प्रभारी घोषित किया। नगर के बिजनौर बाईपास रोड स्थित डॉक्टर शकील हाशमी के नर्सिंग होम के निकट बैंक्वेट हॉल में बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें उमड़ी हजारों की संख्या में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्य जोन इंचार्ज मुरादाबाद व बरेली मंडल गिरीश चंद्र ने कहा कि बीजेपी को हराने का एक ही मंत्र है, बीजेपी द्वारा कराए गए खराब कार्यों से जनता को अवगत कराना होगा और यह जिम्मेदारी हर बसपा के कार्यकर्ता को लेनी होगी। लोगों को बताएं कि किस तरह से भाजपा जनता का शोषण कर रही है, खास तौर से दलित समाज व मुस्लिम समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, किस किस के खाते में 15 लाख रुपए आए, किस तरह नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। मुख्य जोन गिरीश चंद्र ने कहा कि युवा कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और बसपा की नीतियों के बारे में बताएं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल याद दिलाते हुए कहा कि बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में ना तो कभी जाति विशेष समुदाय के खिलाफ कोई अन्याय हुआ और ना ही कोई हिंदू समुदाय को। उन्होंने इस अवसर पर हाईकमान द्वारा नामित नगर के मशहूर डॉक्टर शकील हाशमी को जनपद बिजनौर की विधानसभा 23 चांदपुर विधानसभा का विधानसभा प्रभारी बनाए जाने की घोषणा की। इस मौके पर डॉक्टर शकील हाशमी ने हजारों की संख्या में मौजूद उपस्थित लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं 10 साल से डॉक्टरी के पेशे से जुड़ा होने के कारण नगर व क्षेत्र के लोगों की खिदमत करते आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद ही नहीं यकीन है कि जनता व बसपा से उनको जो मान सम्मान मिला उसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में मुस्लिम पूरी तरह सुरक्षित था, मुस्लिम को सम्मान देने वाली पार्टी केवल बसपा ही है, मुस्लिम अब जागरूक और समझदार हो गया है। आज भाजपा सरकार में ना तो हमारा समाज सुरक्षित है और ना ही अधिकारी जनता की बात को सुनने के लिए तैयार हैं। बसपा एक दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता बसपा जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह व संचालन शेख हिजमाल व बसपा जिला उपाध्यक्ष इसरार नबी ने किया। इस मौके पर अकीलुर रहमान पूर्व मंत्री व जोन इंचार्ज मुरादाबाद बरेली, सरजीत सिंह इंचार्ज मुरादाबाद मंडल, राम सिंह कश्यप जोन इंचार्ज, नरेंद्र प्रधान जोन इंचार्ज मुरादाबाद, गौहर इकबाल मुरादाबाद जोन इंचार्ज, कवि राज सिंह जोन इंचार्ज, दीपक कुमार जोन इंचार्ज, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जोन इंचार्ज मुरादाबाद, आदिल चौधरी जोन इंचार्ज, राम किशन चांदपुर आदि हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहली बात तो मैंने चुनौतियाँ नहीं मानता, अपना इम्तिहान मानता, देखते हैं कितना कामयाब होता है। आज आपको कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा, भाई साहब ने अपना आशीर्वाद दिया, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, देखता हूँ इसे किस कितना निभा के ले चल रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर। दलित समाज के बारे में आपका क्या कहना है? दलित समाज संगठन की मजबूत जड़ है और वो अपना काम पूरी तरह से कर रही है। वो आपने जन सैलाब देख लिया होगा किस तरह से उन लोगों ने आज आके अपना प्यार निश्चित किया। किशन के सारे में चलेगा ना, किसी और दूसरे नेता के सारे में चलेगा, वो तो आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, कुछ इधर उनका इशारा होगा उधर बोलेगा।